बोल दिल्ली बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना काल के दौरान जिन सांसदों को, विधायकों को, पार्षदों को सड़कों पर पब्लिक की मदद के लिए होना चाहिए था, लेकिन आज वही सांसद गायब हैं। उनका दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ की जनता इस समय मदद के लिए तरस रही है, क्योंकि जब आप वोट लेने के लिए आए थे तो आपने यही कहा था कि हम जब जीतेंगे तो आपके सुख में और दुख में साथ निभाएंगे। लेकिन कहाँ गए वो नेता, कहाँ गए वो तमाम जनप्रतिनिधि जिन्होंने वादा किया था। तो आज हमने वही जनता से पूछा, वही पब्लिक से पूछा कि इस महामारी के दौरान कहाँ गए वो लोग। तो सुनिए दिल्ली की जनता ने क्या जवाब दिया। ये तो अंडरग्राउंड हो गए, इन्हें किसी बात की कोई टेंशन नहीं। मर रहा गरीब आदमी, मर रहा बसों में नहीं बिठा रहे, आई कार्ड देख रहे, आई कार्ड दिखाओ जब बिठाएंगे। किसी को कोई जरूरत काम हो, कहीं जाना हो, कुछ है नहीं है। यहाँ कुत्ते बंदर भूखे प्यासे मर रहे हैं। आप बताओ कैसे होगा ये। अजी बात पूछो मत, यहाँ सिकली नहीं दिखा रहे इस टाइम। तो उनको खुद अपना डर है, कहीं हमें ही कोरोना ना हो जाए। मर रहा है तो गरीब आदमी मर रहा है, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, क्यों मदद करेंगे, उनको तो अपनी मदद चाहिए। वो आपकी मदद नहीं करेंगे, जनता की मदद नहीं करेंगे। जब से ये टीका लगाना शुरू करा है तब से बीमारी और फैली है और गंभीर हुई है। तो टीके पे भी शक होता है कि टीका सही नहीं है। नहीं, वो नहीं निकलेंगे, बराबर नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे, उनको ज़रूरत नहीं है किसी पब्लिक से। उनको हिंदू मरेगा तो सही है, मुसलमान मरेगा तो सही है, ईसाई मरेगा तो सही है। उनको किसी कौम से, किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपने अपने वोट बैंक से मतलब है। जब आते हैं ये, जब इनको वोट चाहिए होता है, जब कोई बीमार होता, कोई पेशेंट होता, कोई भी बीमारी होती है, कोई देखने नहीं आता। तो क्यों नहीं आ रहे सड़कों पर? जब इनको वोट चाहिए होता है, वो 36 चक्कर मारेंगे। अब जो कोई सारे बीमार पड़े हैं, इस टाइम कौन चक्कर मारेगा? यानी कि इनको भी अपनी जान का ज़्यादा खतरा है, मतलब सबको खतरा है। किसी को अपनी जान प्यारी, किसी को नहीं प्यारी, बस जनता मननी मननी है। लोग ड्यूटी कर सकते हैं अपनी जान जोखिम में डाल के, तो ये लोग क्यों नहीं आ सकते? दो एक दूसरे का दुख दर्द बांटना चाहिए इनको। आके घर बघर पूछना चाहिए, भाई क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, आना चाहिए। पर कोई नेता लोग कोई आता कहाँ? इलेक्शन के टाइम में तो ये हाथ जोड़ के लोगों को घर तक चले जाते हैं। इलेक्शन के टाइम में तो ये पाँव पाँव में घुस जाते हैं, पाँव पड़ रहने लगते हैं। महामारी तो बिल्कुल गायब ही हो चुके हैं सब, कोई सब अंडरग्राउंड है इस समय। तो सुना अपने दिल्ली की जनता ने क्या कहा। ये नेता है, ये किसी के अपने नहीं होते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, आपसे वोट लेना। जिस तरीके से गन्ने से जो रस निकलता है, और जब रस निकल जाने के बाद गन्ने का क्या हाल होता है आपने देखा है, वो कूड़ा बन जाता है। तो देश की जनता वही कूड़ा है। जब उनसे इलेक्शन के दौरान उनसे वोट लिया जाता है, वोट लेने के बाद उनको कूड़ा समझ के फेंक दिया जाता है। इस महामारी के दौरान यही कुछ साबित हुआ है। लेकिन जिस तरीके से इन नेताओं ने देश की जनता के साथ जो सलूक किया है, यकीन मानिए आने वाले इन दिनों में ये जनता इनको माकूल जवाब जरूर देगी। कैमरामैन मनीष ढोंडियाल के साथ सुरेश झा, ABN News, दिल्ली।